हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप व्हाट्सएप वाले पोर्टल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, या फिर जिन्होंने हमसे ये पोर्टल ऑलरेडी परचेज किया हुआ है उनको एडमिन का भी एक्सेस रहेगा, तो आप एडमिन पैनल से भी लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे पोर्टल, मेरे सामने जो स्क्रीन अभी आपको दिख रहा होगा वही स्क्रीन आपको भी दिखेगा, और यहाँ से आप जो कि व्हाट्सएप का बल्क मार्केटिंग और उसके अंदर जो भी फीचर्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे, रिपोर्ट्स हो गया, प्रोफाइल, API, चैटबॉट, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि जो पोर्टल है उसको आप कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए आपको दो तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहले तो आपको मैसेज करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर की ज़रूरत है। तो आपके पास जो भी व्हाट्सएप नंबर रहेगा उसमें आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल रहेगा, उसको पहले आपको इस पोर्टल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ हो गया कि आप जिनको मैसेज करने वाले हैं उनके नंबर्स आपके पास होना चाहिए। फिर तीसरे स्टेप में आप जो कि बल्क मैसेजिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप वन करते हैं हम। पहले हम अपना व्हाट्सएप अकाउंट जो कि कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, और जैसे आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपको ऐसे QR कोड दिख जाएगा। आपका व्हाट्सएप खोलना है आपको, और वहाँ से आपका QR कोड स्कैन करके इसको लिंक करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिंक कर चुका हूँ तो मैं आपको वो स्टेप दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ। और प्रोफाइल लिंक हो जाने के बाद एक 5 सेकेंड का टाइम दीजिएगा, तो ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और आपका व्हाट्सएप में जो भी इमेज रहेगा, प्रोफाइल रहेगा, ये प्रोफाइल यहाँ पे शो होगा, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पे आपका अकाउंट कनेक्टेड हो चुका है। अभी मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है कि नहीं है। तो मैं वापस से व्हाट्सएप वाले बटन पर क्लिक करूँगा, प्रोफाइल पर जाऊँगा, और यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करूँगा देखिए मेरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे लॉग आउट का बटन दिखा रहा है, इसका मतलब है मेरा प्रोफाइल कनेक्टेड है, और यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है। तो लास्ट अपडेट यानी कि अभी जो टाइम चल रहा होगा उसी का टाइम यहाँ पे दिखाएगा, तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल जो कि वो कनेक्टेड है। ठीक है, स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें पहले प्रोफाइल कनेक्ट करना है। दूसरे स्टेप में हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट या फिर कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाना है जिनको हमें मैसेज करना है। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट्स का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए और एक ग्रुप क्रिएट करिए। यहाँ पे मैं एक प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ग्रुप का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग का ग्रुप बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट का ग्रुप बना सकते हैं। आप ये जो ग्रुप का नाम है अपने हिसाब से दे सकते हैं, ताकि आपको आपको बाद में जो मैसेज करेंगे आप, तो वह आपको ये पता चल पाए कि आप कौन से ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। तो मैं अभी के लिए इस ग्रुप का नाम देता हूँ टेस्ट, और मैंने सबमिट कर दीजिए। देखिए जैसे ही सबमिट होता है मुझे दिखा दिया कि यहाँ पे मेरा टेस्ट करके एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बन गया है जिसमें 0 कॉन्टैक्ट है। अभी कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हमें जो बीच वाला बटन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप एक्सेल के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास नंबर से तो उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं। तो फॉर नाउ मैं यहाँ पे मैनुअली नंबर ऐड कर देता हूँ ताकि मैं टेस्ट करा सकूँ। मैं अभी के लिए मेरा एक अल्टरनेटिव नंबर डाल देता हूँ, प्लस वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कंट्री कोड लगाएंगे और आपका व्हाट्सएप नंबर डालेंगे तो हो जाएगा। तो मैं कंट्री कोड लगा दिया और मेरा एक अल्टरनेटिव नंबर डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, सबमिट कर देता हूँ। ऐसे आप नीचे जितना चाहे उतना नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि पोर्टल, अगर आप पोर्टल परचेज करते हैं तो पोर्टल आपका रहेगा, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, सो फिलहाल हमारे पास ये जो टेस्ट ग्रुप है इसमें एक ही कॉन्टैक्ट है जिनको SMS जाएगा, सॉरी मैसेज जाएगा। अभी और भी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे हजार हजार नंबर होंगे, उसमें से आपको पता नहीं कि किस में व्हाट्सएप है किस में नहीं। कोई डरने की बात नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जिसमें व्हाट्सएप नहीं रहेगा वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें व्हाट्सएप रहेगा SMS सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टेप वन पे हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट कर लिया, स्टेप टू पे हमने कॉन्टैक्ट ग्रुप बना के हमने कॉन्टैक्ट भी ऐड कर लिया। अभी हम बल्क मैसेजिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें सिंपल बल्क मैसेजिंग बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट करना है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना अकाउंट चूज करेंगे। अभी देखिए ये जो पोर्टल है ना, इसमें नंबर रोटेशन सपोर्ट करता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा व्हाट्सएप प्रोफाइल पे, अभी देखिए मेरा एक ही अकाउंट दिखा रहा है। अगर आपको 4-5 नंबर से मैसेजेस भेजना है तो आप कनेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करिए, वापस से आपको एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे आपके जितने व्हाट्सएप नंबर है ना सबको कनेक्ट करिए, और 4-5 प्रोफाइल को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कैंपेन चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 500 कॉन्टैक्ट आप सेंड कर रहे हैं 5 नंबर से, तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा और 5 नंबर से रोटेशन होकर उन कस्टमर्स को मैसेजेस जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपका ब्लॉकिंग चांसेस है कि वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है,
तो अभी के लिए तो मैं एक ही प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे एक ही प्रोफाइल सिलेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, कैंपेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं टेस्ट दे देता हूँ, टेस्ट कैंपेन। ठीक है, फिर आप कॉन्टैक्ट ग्रुप, आपने अभी जितना ग्रुप बनाया होगा उसका पूरा लिस्ट दिखेगा आपको। अभी के लिए हमारे पास एक ही ग्रुप है, तो मैं टेस्ट ग्रुप सिलेक्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि इस वाले ग्रुप में जितने कॉन्टैक्ट हैं उनको मैसेजेस जाएंगे। फिर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर आपको कोई पिक्चर भेजना है तो आप मीडिया फाइल यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक मीडिया फाइल है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और फिर आपको कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। तो हाय वेलकम टू, ठीक है, हमने कुछ भी लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो बटन और लिस्ट SMS है, क्योंकि अभी बटन और लिस्ट काम नहीं कर रहे हैं ग्लोबली अपडेट के वजह से, तो यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैं आपको वो एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ। सिर्फ आप टेक्स्ट और मीडिया के बाद में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने अभी मीडिया डाल दिया और हमने कैप्शन भी डाल दिया। अभी इसमें और एक थोड़ा एक्सटेंडेड फीचर है, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ना सिंटैक्स करके एक फीचर है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, जो ब्रैकेट में जो बीच में जो मैसेज लिखा है ना, इसका एक बढ़िया रोल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मान के चलिए आपके पास 2-3 नंबर या फिर 500 नंबर होगा, अगर सबको आप हाय वेलकम टू एक्स वेब सोल्यूशन ऐसे सिंगल मैसेज करेंगे तो स्पैमिंग लगेगा व्हाट्सएप को कि स्पैम हो रहा है करके। आप अगर ऐसे ब्रैकेट के अंदर हाय हेलो, यहाँ पे होला लिखा है, मैं इसको नमस्ते कर देता हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर ये मैसेज भेजने को ट्राई करेंगे ना, तो सिस्टम ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा किसी को हाय वेलकम टू एक्स वेब सोल्यूशन भेजेगा, किसी को हेलो वेलकम टू एक्स वेब सोल्यूशन भेजेगा, किसी को नमस्ते वेलकम टू एक्स वेब सोल्यूशन भेजेगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर आप जो भी मैसेजेस रखेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें से एक पिक करके भेजेगा। इससे क्या होगा ना, आपका सारे मैसेज अलग अलग जाएंगे और सिस्टम को ये भी नहीं लगेगा कि कोई स्पैमिंग कर रहा है करके। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे हाय हेलो नमस्ते डाल दिया, अभी वो मुझे सिस्टम अपने हिसाब से डिसाइड करेगा और तीनों में से कोई भी एक वर्ड मुझे वो सेंड करेगा। ठीक है, मैं आपको वो दिखा दूंगा। आप ये होने के बाद नीचे आ जाते हैं हम, टाइम टू पोस्ट, आपको कब पोस्ट करना है। तो अभी जैसे कि टाइम हो रहा है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, अभी टाइम हो रहा है 6:14, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 6:15। ठीक है, और यहाँ पे इंटरवल पूछ रहा है कि इंटरवल मतलब कितने डिले में मैसेज आपको जाना चाहिए। हमेशा आपको इस सिनेरियो में क्या करना है, आपको देखना है कि जो भी मैसेज आप कस्टमर को भेज रहे हैं, अगर एज ए ह्यूमन बींग आप उसको टाइप करके भेजते तो आपको कितना टाइम लगता है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो नंबर ब्लॉकिंग का चांस बढ़ जाता है। तो अभी के लिए हमने जो लाइन लिखा है उसको हार्डली 5 सेकेंड लगेंगे टाइम टाइप करने में, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 से 10 सेकेंड टाइप कर सिलेक्ट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या रहेगा, सिस्टम अपने हिसाब से डिसाइड करेगा 5 से 10 सेकेंड के बीच में कभी भी ये मैसेज डिलीवर करेगा, ठीक है, नंबर्स को। तो अभी टाइम हो गया 6:15, मैं इसको 6:16 कर देता हूँ या फिर नाउ कर देते हैं, अभी हम भेजते हैं। ठीक है, और मैं अभी स्केड्यूल कर देता हूँ, तो हमारा कैंपेन हो गया स्केड्यूल। अब क्योंकि हमने अभी 6:15 को ही टाइम स्केड्यूल किया था, देखिए मेरा एक मैसेज भी यहाँ पे डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं मेरा व्हाट्सअप यहाँ से ओपन करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैसेज भी। देखिए मैं अपना व्हाट्सअप यहाँ पे ओपन किया और हमने वहाँ पे एक सिंटैक्स दिया था हाय हेलो नमस्ते, तो सिस्टम अभी डिसाइड करके मुझे भेजा हुआ है। देखिए अभी सिस्टम मुझे यहाँ पे एक बार लोड होने दीजिए इसको। जी देखिए अभी ये हमने इमेज रखा हुआ था और सिस्टम ने डिसाइड किया है हेलो भेजना है करके, तो हेलो वेलकम टू एक्स वेब सॉल्यूशन सिस्टम ने भेज दिया। तो ऐसे आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है कैंपेन्स। अभी हमने एक घंटा कॉन्टैक्ट पे ये लिस्ट ट्राई किया था, आप 500, 1000, 2000 जितना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। बस टाइमिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आप जो जितना बड़ा मैसेज कर रहे हैं उसके हिसाब से टाइमिंग 30 सेकेंड 40 सेकेंड ऐसे डिले सेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बल्क मैसेजिंग इस पोर्टल का। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ऑटो रेस्पोंडर है। ऑटो रेस्पोंडर क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा ऑफिस मंडे टू सैटरडे तक खुला रहता है, लेकिन संडे को मुझे कोई भी मैसेज करे मैं आउट ऑफ द ऑफिस ही रहूँगा, तो इस टाइम पे आप ना ऑटो रेस्पोंडर को सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैंने ऑटो रेस्पोंडर पे क्लिक किया, व्हाट्सएप अकाउंट पे जाऊंगा और मेरे वाले प्रोफाइल पे क्लिक किया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक ऑटो रेस्पोंडर सिलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा कि मान के चलिए कि कल संडे है और आज मैं ये सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा टुडे आई एम आउट ऑफ द ऑफिस। ठीक है, और इसको अगर मैं सबमिट कर देता हूँ ना
तो कोई भी मेरे व्हाट्सएप पे कुछ भी मुझे मैसेज करता है ना, मेरा बॉट उसको रिप्लाई करेगा टुडे आई एम आउट ऑफ द ऑफिस करके, ठीक है? चाहे हाय लिखे, हेलो लिखे, कुछ भी लिखे, ये तो ऑटो रिस्पोंडर का काम है कि कोई कुछ भी मैसेज करता है, आपने जो एक मैसेज सेट किया होगा ना, वही मैसेज सबको वो बार बार फॉरवर्ड करता रहेगा, ठीक है? इसका काम हो गया ऑटो रिस्पोंडर। तो ये फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि कल मैं आउट ऑफ द ऑफिस रहूंगा, या फिर मान के चलिए आपका जो बिजनेस है कल बंद है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो लिख देंगे ऐसे ऑटो रिस्पोंडर एक दिन पहले सेट कर देंगे कि कोई भी आपको कुछ भी मैसेज करता है ना, तो आप लिख दीजिएगा कि टुडे आर ऑफिस इज ऑफ, कॉन्टैक्ट डे आफ्टर टुमारो, और कॉन्टैक्ट ऑन मंडे, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ये हो गया ऑटो रिस्पोंडर पार्ट। फिर आ जाता है चैटबॉट। चैटबॉट में क्या होता है ना, आप वेराइटी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको हाई लिखता है तो आपका चैटबॉट उसको हेलो लिखेगा, फिर कोई आपको लिखता है कि टेल मी अबाउट योर प्रोडक्ट्स, तो आपका चैटबॉट जो कि आपके जितने भी प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक उसको मैसेजेस में भेज देगा। ये होता है चैटबॉट का काम। चैटबॉट हम कैसे सेट करते हैं, आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ऐड आइटम करेंगे आप। ऐड आइटम करके यहाँ पे कोई भी एक नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम नाम दे देते हैं वेलकम, एक चैटबॉट का नाम है बस। अभी पूछ रहा है कि कौन सा कीवर्ड आपको सेट करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि हाय, यानी कि कोई अगर हमें हाय भेजता है तो हमारा चैटबॉट उसको रिप्ले करेगा। क्या रिप्ले करेगा, इमेज के साथ भी आप रिप्ले दे सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट में रिप्ले कर सकते हो, ठीक है? तो अभी के लिए मैं इमेज सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैप्शन सेट कर रहा हूँ कि अगर कोई मुझे हाय लिखता है मेरे नंबर पे, तो मेरा चैटबॉट उसको ऑटोमेटिक हेलो लिख देगा। अगर मैं चाहे ऑनलाइन रहूँ ना रहूँ, मेरा बॉट उसको रिप्ले करेगा, ताकि क्या होगा ना, आपके कस्टमर के साथ जो कि इंट्रैक्शन बिल्ट होगा उसमें आप कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और हेलो लिखने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। सबमिट कर दूंगा तो आपका चैटबॉट एक्टिव हो जाएगा और आपको वो रेस्पॉन्ड करेगा। अभी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चैटबॉट बिल्ड करके रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक चैटबॉट दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्टेटस क्या है, ठीक है? आइटम लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए ये रनिंग कंडीशन में है और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चैटबॉट सेट करके रखा है। अगर कोई मुझे हाई लिखता है या फिर हेलो लिखता है तो मेरा चैटबॉट उसको लिखेगा वेलकम टू एक्स वेब सोल्यूशन, हाउ कैन आई हेल्प यू टूडे, ठीक है? अभी मैं आपके सामने एक डेमो दिखा देता हूँ। देखिए इस नंबर से मैं इसको हाई लिखता हूँ, देखिए मैंने हाई लिखा, अब देखिए मेरा चैटबॉट यहाँ पे ऑटोमेटिक रिप्ले किया, ठीक है? तो आप ऐसे बहुत सारे चैटबॉट्स बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है सर? उसके बाद हमारे पास और एक फीचर आ गया, एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स। इसमें क्या होता है, आप अगर कोई ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, जैसे कि मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई ग्रुप में मैंने ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो आप इसको ओपन करिए और उस ग्रुप में एक हाई करके या कुछ भी एक एसएमएस करिए। जैसे ही मैसेज आप करेंगे वो ग्रुप आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और जैसे ही दिखेगा आपको ग्रुप, वहाँ से आप ग्रुप के कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि वो डाउनलोड कर सकते हैं बल्क में। अगर 500 लोग ज्वाइन किए होंगे, एक क्लिक में आपका पूरा 500 नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डाउनलोड हो जाएगा आपके एक्सेल फाइल में, ठीक है? फिर आ जाता है एपीआई। हमारा एपीआई भी ऑलरेडी इसमें है, जिनको एपीआई के बारे में नॉलेज है या फिर आपके पास कोई डेवलपर है तो आप उनको डायरेक्टली ये वाला सेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए, वो आपके लिए एपीआई इंटीग्रेट कर देंगे वेबहुक के साथ, ठीक है? बाकी बटन्स और लिस्ट के बारे में मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटा इतना फीचर है इस वाले पैनल में। अगर आपको और कुछ हेल्प चाहिए या फिर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए स्क्रीन पे देख के, या फिर कॉल करिए डायरेक्टली, ओके?